हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके साथ मक्की की रोटी बनाने का सबसे आसान तरीका शेयर कर रही हूं। तो इसके लिए मैंने लिया है मकई का आटा और उसके अंदर मैंने डाली है अजवाइन और नमक। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आटे के लिए मैंने जो पानी लिया है वो मैंने थोड़ा सा गुनगुना सा पानी लिया है, क्योंकि गुनगुने पानी से मकई के आटे की बाइंडिंग काफ़ी अच्छी आती है और काफ़ी सॉफ्ट ये इसका डो तैयार होता है। तो पानी इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि एकदम से ऐड नहीं करना है। इसके आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा पतली हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। बड़ा सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। डो मेरा तैयार हो चुका है और इसको मैं 15 मिनट्स के लिए ऐसे रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसकी जो रोटी है उसको बेलने के लिए मैंने ये लिया है पॉलीथीन। ये पॉलीथीन आटे का एक पैकेट ही था जिसको मैंने कट कर लिया था, और इसे अच्छे से वॉश करके मैं यूज़ कर रही हूँ मक्की की रोटी बनाने के लिए। तो इस पॉलीथीन के ऊपर, इस शीट के ऊपर मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा दिया है और अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया है। और मैंने ये एक पेड़ा लिया है, पेड़ा इसके लिए थोड़ा बड़ा लेना है। तो इसको अच्छे से राउंड शेप करके ऊपर से हथेली से मैंने ऐसे इसको फ्लैट कर दिया है। फ्लैट करने के बाद इसको शीट के ऊपर रख के ऐसे हम गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे नीचे की तरफ और इसको राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। और जैसे इसके थोड़े थोड़े किनारे फटते हैं तो आप उसको उंगलियों की हेल्प से प्रेस कर सकते हैं। यहाँ मैंने गैस स्टोव जो है उसको ऑन कर दिया है ताकि तवा गर्म हो जाए। तो इसको प्रेस करते जाना है जब तक कि जो रोटी है उसकी पतली सी वो लेयर तैयार हो जाएगी तब तक। तो अब मैंने तवे के ऊपर देसी घी लगा दिया है। देसी घी लगाने से ही ज़्यादा धुआं उठता है। अगर आप रिफाइंड ऑयल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए पॉलीथीन जो शीट ली है उससे कितनी इजीली ये रोटी जो है अलग हो गई, चिपकी नहीं बिल्कुल भी। अब इसको मैंने फुल फ्लेम पे पका लेना है रोटी को। ये देखिए कितनी अच्छी रोटी बन रही है मेरी, बिल्कुल चिपक नहीं रही, जबकि मैंने कोई भी नॉनस्टिक तवा यूज़ नहीं किया है। नॉर्मल यूज़ होने वाला ये आयरन वाला तवा है। तो इसको मैं दूसरी साइड पे पलट दूंगी। पलटने के बाद इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है। इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड इसकी लगभग हो चुकी है और इसको टर्न करके देख लेंगे, दूसरी साइड भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो ये सबसे आसान तरीका है मक्की की रोटी बनाने का। अब ये मैं इस रोटी को ऊपर, रोटी के ऊपर घी लगाऊंगी और इसको सरसों के साग और मूली के साथ सर्व करूंगी। ये देखिए मैंने सर्व कर दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक